बैक टू माय चैनल। तो मैंने एक स्टोरी लगाया हुआ था इंस्टा पर, जिसमें मैंने बायोटिक के और गुड वाइब्स के प्रोडक्ट उसमें दिख रहे थे। तो दो तीन लोगों के मैसेज आते हैं कि मुझे ये इसका हॉल चाहिए, रिव्यू चाहिए। तो मैंने कहा चलो करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला जो प्रोडक्ट है वो है गुड वाइब्स का फेस वॉश, जो है ग्रेप फ्रूट एंटी एजिंग फेस वॉश। जो कि इसका वीडियो मेरी मम्मा ने यूट्यूब पे किसी को देखा हुआ था जो कि यूज़ कर रहे थे, उसने बोला था मैंने अपनी मम्मा के लिए लिया है, तो मेरी मम्मी बोलती मुझे भी वाला दो, तो मैंने उनको ये गिफ्ट कर दिया। उनको यूज़ कर रही है, देखिए खाली भी हो चुका है, दो तीन दिन हो गए यूज़ करते हुए उनको, तो करें अच्छा है। तो ट्राई करके देखते हैं फिर मम्मी को गिफ्ट करें। नाउ सेकेंड प्रोडक्ट इज रोज हिप गुड वाइब्स फेस सीरम रेडिएंट ग्लो, जो कि मैंने देखा है काफ़ी मेकअप वीडियो में लोग यूज़ करते हैं, काफ़ी ब्लॉगर यूज़ करते हैं, तो मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है। लेकिन इससे कुछ मुझे लगा कि जैसे ये फैला हुआ था पूरी बॉटल में नीचे डला हुआ था, लेकिन फिर भी ट्राई करके देखेंगे अच्छा है। सेकेंड प्रोडक्ट मैंने इसको भी बहुत काफ़ी वीडियो में देखा हुआ था गुड वाइब्स का, ये है टी टी स्किन टीजिंग टोनर, जो कि टी टी का टोनर यूज़ करके देखते हैं। इसके काफ़ी सारे होते हैं, एक कुकुम्बर था, पपाया, रोज़, काफ़ी थे, लेकिन मैंने टी टी लिया। आप भी ट्राई करके देखिएगा, और मैंने ये आज ही ट्राई किया है, इनफैक्ट ये मेकअप सबसे पहले मैंने इसको ट्राई किया है, तो मुझे अच्छा लगा। नाउ नेक्स्ट प्रोडक्ट है डर्माडॉक का, ये भी पर्पल से ही है, और ये काफ़ी मतलब पर्पल में मैंने काफ़ी चीज़ें ऐसी देखी है जो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल होती हैं, मतलब आप अच्छे से अच्छा स्किन केयर अपने बजट में कर। ये है बायोटिक का एडवांस आयुर्वेदा बायो नीम प्योरीफाइंग फेस वॉश, जो कि है प्रिवेंट पिंपल फॉर ऑल टाइप स्किन। हाँ मुझे पिंपल प्रॉब्लम है, मैं इस समय गर्मी में काफ़ी मैंगो खा रही हूँ, तो मुझे एक ना एक पिंपल पॉपअप हो ही जाता है, तो मैं नेक्स्ट है ये बायोटिक का बायोसी बीट्स, ये आई जेल है, इसको लगाने से तो मतलब मैं तो इसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, ये मतलब इतना रिलीफ देता है, इसको इतनी थक जाती है फ़ोन चला चला कर, लैपटॉप चला चला कर, टीवी देख देख कर, जो भी मतलब थकान होती है, इससे बस थोड़ा सा नीचे और लगाई हूँ, थोड़ा सा रात में लगा के सुबह लगाई है, मतलब बस मॉर्निंग में और रात में जब सोने के टाइम पर लगाती हूँ मैं खुद, तो बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसको ट्राई जरूर करूँ। सेकेंड आई लव दिस प्रोडक्ट, ये बायो मॉर्निंग नेक्टर का मॉइस्चराइजर है, मॉइस्चराइजर काफ़ी यूज़ करती हूँ, गार्नियर का यूज़ करती हूँ, एपिया का भी यूज़ करती हूँ, और एक रिसेंटली हाँ पॉन्ड्स का मैं जो अभी लाइट सेल वाला चल रहा है वो यूज़ कर रही हूँ, वो भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी मैं बायोटिक को ही देती हूँ, ये बहुत अच्छा है, मेकअप करने से पहले भी मैं इसको यूज़ करती हूँ, ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है बायोटिक मॉइस्चराइजर, मस्ट ट्राई। नेक्स्ट प्रोडक्ट है स्पॉट करेक्टिव एंटी एजिंग फेस पैक, जो है बायो मिनिस्टिका का, तो मेरी हैबिट है कि मैं नेल्स को निकाल देती हूँ जो भी होता है, तो उससे मेरी स्पॉट रह जाती है, मैं इसको भी यूज़ कर रही हूँ, ये भी काफ़ी अच्छा है। पैक है फॉर ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन, जिनकी ऑयली स्किन है उनके लिए, मेरी तो ऑयली है और मुझे एक्ने प्रॉब्लम है, इसलिए मैं ये यूज़ करती हूँ। हाँ नेक्स्ट मैंने ये मिस रोज का हाइलाइटर मंगाया हुआ है, मेरे पास इसका एक सेट है जो कि पिंकिश पर है, लेकिन मुझे गोल्डन पर चाहिए था, तो मैंने थोड़ा सा गोल्डन पर ये मंगाया है, ये भी मतलब इसको लगाने से मतलब ऐसा लगता है बल्ब बन गया, मतलब अच्छा लगता है, ये लगा लीजिए तो बहुत अच्छा। हाँ नेक्स्ट मैंने ये अल्पनाइस की रोज़ स्क्रब मंगाया हुआ है, जो कि मैं अभी दो दिन से यूज़ कर रही हूँ, तो ये भी अच्छा है, ये काफ़ी अच्छा है, ब्लैक हेड्स आपके बहुत अच्छे से रिमूव कर देता है। और सेकेंड अल्पुट का ये है वीट जर्म्स नर्सिंग नाइट क्रीम, ये नाइट क्रीम मैंने इसको ओपन भी नहीं किया है, पैकिंग भी नहीं हुई, इसलिए मैं ट्राई करके देखती, लेकिन इसके मैंने रिव्यू देखे हुए थे इसलिए मैंने इसको लिया हुआ है, अब मैं इसको ट्राई करूँगी, तो इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप लोग भी ट्राई करके जरूर देखिए। नेक्स्ट मुझे पर्पल ने फ्री गिफ्ट दिया है, ये क्यू सा छोटू सा कंडीशनर दिया है गुड वाइब्स का, एवोकाडो सॉफ्टनिंग हेयर कंडीशनर, ये मैंने ट्राई नहीं किया लेकिन मुझे क्यूट सा लग रहा था तो मैंने रख लिया, ये देखिए काफ़ी छोटा सा है। एंड नेक्स्ट ये डर्माडॉक ने मुझे हैंड सैनिटाइजर दिया है, ये पैकेट है, इसको भी ओपन नहीं किया, गिफ्ट है भाई, गिफ्ट संभाल के रखना चाहिए, मैं संभाल के रख लिया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, मैंने अभी इतना ही प्रोडक्ट मंगाया हुआ है पर्पल से, मैंने मंगाया पहले भी लेकिन हॉल कभी नहीं किया, मैं डिब्बे डिब्बे फेंक दिए थे, मैंने ये डिब्बा संभाल के रखा कि मुझे हॉल करना है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।